अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये जनता कितना कितना हार्ड वर्क कर रही है और कितना मेहनत से लगी पड़ी है। पूरी रात लगी हुई है, अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, लेकिन ये 9 बजने के बाद भी धूप हो गई इतनी। देखो चारों तरफ कितनी धूप हो गई, लेकिन ये रुकी नहीं है, अभी भी कंटिन्यू चली रही है। देखो, तो मैं आपको बाजरे के पास लेके जाती हूँ, कितना बाजरा लेके गई है ये रात रात में। पर कोई नहीं, ये अपनी किस्मत में है जो लेके जा रही है, अपने हिस्से का, हमारे हिस्से का हमारे हिस्से में है, इनके हिस्से का इनके हिस्से में। वैसे तो लोग जो वो केमिकल वाली पाउडर आती है वो लगा देते हैं बाजरे के चारों साइड कि चींटियाँ नहीं लेके जाए बाजरा, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा। देखो उन्होंने किस तरीके से कितना साफ सुथरा रास्ता बना दिया, ये इनका हाईवे है एक तरीके से देखा जाए तो। ये अपना हाईवे खुद बनाती है भाई, और इनका हाईवे नीट एंड क्लीन होता है, उसमें ज़्यादा गंदगी नहीं होती। देखो इस साइड में कितनी गंदगी है, इस साइड में कितनी गंदगी है, लेकिन इनके हाईवे पे गंदगी नहीं है। ये इनका हाईवे है, और ये इस तरीके से एक एक दाना लेके आई है यहाँ से। यहाँ से हमने शाम को निकलवाया था, उसको तो ले गए हम ट्रॉली में भर के घर, एक ट्रॉली भर गई थी। अब ये जो बच गए इनको आज निकलवाएंगे अभी। और ये कुआ है, पहले यहाँ से सिंचाई होती थी इन खेतों में, लेकिन अब नहीं होती क्योंकि वो लाव चड़स वो सिंचाई वाले ज़माने गए, अब आ गए बिजली वाले ज़माने। मम्मी उधर भैंसों के लिए चारा काट रही है उस पेड़ की छाया में, और इस साइड पापा पाट लगा रहे हैं सरसों के लिए। तो हम पापा ने एक वो वाला खेत में पाट लगा दिया, एक इस वाले खेत में पाट लगा दिया, इस वाले खेत में लगा दिया जितना खाली हो गया था उसका, दो उन खेतों में लगा दिया, एक इस वाले खेत में लगा दिया, और अब ये फाइनल लास्ट वाला खेत बचा हुआ है तो इसमें भी लगा रहे हैं। तो इसके बाद में हम चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद में हम इस वाले बाजरे को निकाल लेंगे, यहाँ से फ्री होंगे, फिर घर जाएंगे, फिर घर का काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। खेती करने का एक फ़ायदा ये है कि इसमें बचत हो नहीं हो, इंसान को खालीपन महसूस नहीं होता, डिप्रेशन विप्रेशन में जाने का तो कोई सवाल ही पता नहीं होता। कुछ ना कुछ करते रहो, बस करते ही रहो। और ये पीछे ये बगुले हैं ना कीड़े खाने के लिए ट्रैक्टर के पीछे 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 पीछे, जब तक ट्रैक्टर चलेगा ये पीछे पीछे भागते रहेंगे। वो एक संस्कृत में श्लोक है ना, काक चेष्टा वको ध्यानम, कोहे के जैसे चेष्टा रखो और बगुले के जैसा ध्यान रखो। तो इनका ध्यान भाई बहुत तेज, इतना इनके जितना ध्यान मेरा होता तो मैं तो प्रधानमंत्री बन गया होता अब तक। ये है पूरे किसान मित्र, पूरे कीड़े खा जाएंगे जितने भी दिख गए ना इनको, पूरे को खा जाएंगे। तो कट भी पड़ी है अभी, लेके नहीं गए घर पे, और ले जाएंगे धीरे धीरे, टाइम मिलेगा। वैसे दिवाली भी निकल जाती है पर टाइम नहीं मिलता, ये है। लोग दिवाली के लिए टाइम निकालते हैं, हम टाइम निकाल कर दिवाली मनाते हैं, फर्क होता है।